हेलो माय डियर, हाउ आर यू ऑल? यू ऑल आर फाइन? आई थिंक, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर लॉकडाउन, कोरोना एंड स्टडी ऑनलाइन. ठीक है, तो आप ठीक हैं? आपने वो तीनों पॉइंट याद कर लिए होंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ पॉइंट. क्योंकि लिए क्या एक्सप्लेन करूँ मैं आगे का? कल हमने एन के बारे में पढ़ा था, वो एन का एक्सप्लेन कर देते पहले. एन के बारे में हमने कल पढ़ा था कि ये भी सिंगुलर कौन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका वॉवेल साउंड होना चाहिए. मतलब जो लेटर से पहले हमें एन लगाना है ना, तो वो लेटर ए ई आई ओ यू, फर्स्ट लेटर उसका ए ई आई ओ यू में से कोई होना चाहिए. जैसे कि हमने इधर देखा था, ये यू इस अम्ब्रेला, इसलिए इधर एन आया है. आई इस वॉवेल, इसलिए एन आया है. ई इस वॉवेल, इसलिए उधर एन आया है. तो ये क्लियर हो गया है ना. ओके, लेट्स मूव ऑन. ओके, लेट्स स्टार्ट. फोर, इन सम वर्ड्स द फर्स्ट लेटर एच इज साइलेंट एंड द वर्ड गिवन एज वॉवेल साउंड. सच वर्ड्स टेकन एंड बिफोर देम. जैसे कि एच, कोई वर्ड एच से स्टार्ट होता है ना, और वो साउंड है ना वॉवेल्स का देता है, तो फिर हमें उधर क्या करना चाहिए? उधर हम वॉवेल्स को लगाते हैं. ठीक है, साइलेंट होता है एच, हम वॉवेल्स को लगाते हैं. ओके, इन सम वर्ड्स द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल बट गिवन अ कॉन्सोनेंट साउंड. सच वर्ड इज टेकन एज ए नॉट एन सच. देखो, फर्स्ट लेटर वॉवेल का होगा बट कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड के ऊपर ये डिपेंड है कि ए आना चाहिए एन आना चाहिए. बट कॉन्सोनेंट साउंड, देखो फर्स्ट लेटर वॉवेल होगा बट कॉन्सोनेंट का साउंड होगा, तब हम ए यूज़ करेंगे, ना कि एन. एन का यूज़ तब हम नहीं करेंगे. अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोप, यूनिफॉर्म, यूनिट. ये जैसे कि ये दे रखा है जिधर कॉन्सोनेंट का साउंड है बट वॉवेल आता है. अब हम आते हैं यूज़ ऑफ द पे. यूज़ ऑफ द, अब आई होप कि आपको यूज़ ऑफ ए एंड एन क्लियर है. अब हम यूज़ ऑफ द पे आ रहे हैं. लुक एट दिस फॉलोइंग सेंटेंस. आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज अ ओल्ड. द मून शाइन्स एट द नाइट. द लायन इन द किंग, लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. He is the best boy in my class. The Ganga is the holy river. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. ये देख ले कहाँ का द यूज़ कर रहे हैं. अब हम बताते कहाँ कहाँ ये द का यूज़ हो रहा है. इन द अबव सेंटेंस यू सी दैट द इज यूज व्हेन वी विश टू स्पेसिफाई अ नाउन. अब नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं. तो पहला क्या है? नाउन को स्पेसिफाई करने में के लिए, नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए द का यूज करते हैं. वी यूज द, ओहो ओके, फर्स्ट में ये नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए द का यूज़ किया. जैसे कि आई सॉ अ मैन, मैन इज अ नाउन. अब उसको द का यूज़ करके हमने उस नाउन को स्पेसिफाई कर लिया है. द इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज द नेम ऑफ ओनली वन थिंग ऑफ इट्स काइंड. देखो, द किसके लिए यूज होता है? ओनली वन थिंग, ओनली वन थिंग. पूरी यूनिवर्स में एक के लिए हो तब भी द का यूज होता है. जैसे कि द सन, द अर्थ. ओके, स्पेसिफिक
सब्जी जो 1 किलो हो, जो ओनली वन, ठीक है, उसके लिए भी द का यूज़ किया जाता है. द इज़ यूज टू इंडिकेट अ ग्लास और काइंड ऑफ एनीथिंग. ना कोई ग्लास के बारे में बताना और कुछ ऐसे ही किसके बारे में बताना, उसके लिए भी द का यूज़ किया जाता है. ही इज़ द बेस्ट बॉय, इधर भी द का यूज़ किया है, देखिए, है ना. द फिफ्थ फोर देखिए, द इज ओनली यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एग्जेक्टिव. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव जो हम पढ़ेंगे तब भी द का यूज आता है. वो आगे जाके ग्रामर हम पूरी अच्छे से करेंगे तब आपको ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी अगर मैं क्लियर करने गई तो आप पूरे कन्फ्यूज हो जाओगे, आपका चेहरा है ना ऐसा हो जाएगा. ऐसा क्या बोल रही है मैम, ऐसा हो जाएगा. ओके, दैट्स अ फनी थिंग, डोंट टेक इट सीजी. सो वेयर इज फिफ्थ, द इज ऑलवेज यूज विद द नेम ऑफ रिवर, माउंटेन, सी, बिल्डिंग्स एंड होली बुक्स एक्सेट्रा, द हिमालय, द अरेबियन सी, द ताज एंड द बाइबल. तो देखो, होली बुक, ऐसे जो रिवर, माउंटेन, सी, ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, और होली बुक्स के लिए हम द का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं. तो आई होप कि यू ऑल, अब आपको यूज़ ऑफ ए एंड यूज़ ऑफ द आपको क्लियर होगा. सो बाय, टेक केयर, लर्न दिस पॉइंट्स एंड एंजॉय, हैव अ नाइस डे.